नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर नंबर, अगर आपके चार्ट में है तो वो किसी भी नंबर के साथ रहे तो आप उसको जो है, या तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप को प्रॉब्लम करेगा या उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का जो कारका है उसको जो है डिजीज़ देने की कोशिश करेगा। तो ये नंबर जो है नंबर 8 है, सैटर्न का नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ कार्मिक बर्डन्स होते हैं पिछले जन्म के, तो इसीलिए ये जिस भी नंबर के साथ आता है तो वहाँ पे या तो उसको वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है या उसको हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले, अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये फ्री एक्सेस है, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोशु ग्रिड सीखना चाहते हैं या फिर बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर सीखना चाहते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह, तो आप मेरा एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एस्ट्रो स्कूल में सारे एस्ट्रो बेसिक के पेड और फ्री कोर्सेज एक जगह पे हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो ये वैदिक ग्रिड है जैसा आप लोगों को पता है, तो इसमें जो नंबरिंग कॉम्बिनेशन होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं क्विकली बता देता हूँ, तो वो 319 675 284 इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो जो क्या ऐसे नंबर्स होते हैं या नंबर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि अगर चार्ट में रहते हैं तो रिलेशनशिप पे डायरेक्टली असर करता है। तो वो नंबर है अपना 8। तो अगर किसी के चार्ट में 8 है और उसके चार्ट में 1 है, तो ये 8 जिसके भी कॉम्बिनेशन रहेंगे, 1, 2, 3 कोई भी नंबर्स रहे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 1 लिखा है, तो अगर कोई भी नंबर्स रहता है तो उससे रिलेटेड जो है वो रिलेशनशिप में इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8-1 के साथ है तो 1 मतलब फादर रहता है, तो अगर 8-1 है तो ये फादर के साथ जो है थॉट प्रोसेस को डिफर करेगा, या तो रिलेशनशिप डिफरेंट करेगा या फिर उसका जो थॉट प्रोसेस है दोनों के मम्मी मतलब पापा से जो है अपने फादर से जो वो नहीं बनेगा, या फिर फादर को हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करेगा। तो ये दो चीज कॉमन रहेगा, या तो थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहेगा, दोनों के सोच जो है मिलेंगे नहीं जिसके कारण रिलेशनशिप गड़बड़ होगा, या फिर उनका हेल्थ गड़बड़ होगा, इस दो में से कोई एक चीज हो सकता है और ये कॉमन है। यही अगर यहाँ पे 2 रहता है किसी का, तो अगर 8-2 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो मदर के साथ सेम चीज होने वाला है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा या फिर हेल्थ खराब होगा। यही अगर 8-3 आ जाता है किसी के चार्ट में, तो 8-3 है तो फैमिली मेंबर्स पे कोई हो सकता है, हो सकता है चाइल्ड भी रहे, बच्चे के साथ भी ऐसा हो, या फिर फैमिली में से किसी एक बंदे का जो है ऐसा होगा कि हेल्थ जो है कोई ना कोई उसे डिस्टर्ब करेगा विद इन फैमिली, से मम्मी पापा सिबलिंग्स वाला जो फैमिली रहता है उसका, उसके साथ कोई ना कोई होगा, क्योंकि अगर 3 है तो आप जरूर अपने फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हैं, और इवन दो शादी हो गई उसके बाद भी आप फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है, चाहे गर्ल्स का चार्ट रहे चाहे बॉयज का चार्ट रहे, तो उसी फैमिली में कोई ना कोई है जो कि आपको डिस्टर्ब करेगा। तो कोई भी सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब यही 4 अगर रहता है तो 8-4 इटसेल्फ बहुत खराब है, तो ये सेल्फ जो है 8-4 की अगर कॉम्बिनेशन है तो सेल्फ खुद में ही है जो कि हेल्थ इश्यूज देगा और बहुत ही जिद्दी बनाएगा, और ये जो है क्रोनिक डिजीज देने की कोशिश करता है, मतलब एक ऐसा डिजीज जो कि बहुत लंबे समय तक, दिस इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। ओके, ये अगर यही 5 है तो 8-5 जो है, ये 5 जो है बच्चे को बताता है, किड्स को भी बताता है, और ये इन जनरल सिबलिंग्स नेबर उसको भी बताता है, तो किड्स हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकता है, नेबर्स को भी बताता है, तो जिससे भी आप ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर वो है जो कि जिससे आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप को खराब करेगा, थॉट प्रोसेस डिफरेंट करेगा या फिर हेल्थ इश्यूज करेगा।
अगर यही एट जो है सिक्स के साथ रहता है, तो एट सिक्स जो है, सिक्स आपको पता है स्पाउस होता है, तो वाइफ जो है या फिर जो भी हस्बैंड है, तो वाइफ वाइफ है तो हस्बैंड जो अपोजिट सेक्स है स्पाउस का, जो उसके साथ थॉट प्रोसेस डिफरेंट करेगा या उसको हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करेगा, इस दोनों में से कोई एक चीज या दोनों हो सकता है। यही अगर एट सेवन हो तो ये सेवन एट जो है ये फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सीधा जो है बेड प्लेजर पे असर करता है और नींद वाला जो प्रॉब्लम है उसको असर करता है, तो कहीं ना कहीं ये मैरिटल जो लाइफ है उस पे असर करने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम सेवन है तो अपोजिट सेक्स के साथ ही कहें या फिर रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम लाता है, तो बात में वहां पे भी थॉट प्रोसेस को डिफरेंस करता है। अगर एट और नाइन है, नाइन आ जाता है, तो ब्रदर या सिस्टर, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जो है थॉट प्रोसेस को डिफर करता है या उनके हेल्थ में जो है इश्यू करता है, तो ये थॉट प्रोसेस का डिफरेंस और हेल्थ इश्यूज ये दोनों आते हैं जब भी एट किसी और के साथ आता है। वन के साथ है तो फादर, दो के साथ है तो मदर, तीन के साथ है तो कोई भी फैमिली मेंबर्स एक हो सकता है, चार है तो खुद ही, पांच है तो किड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकता है, कजिन ब्रदर सिस्टर ऐसे कोई हो सकता है, सात है, छह है तो अपोजिट सेक्स वाइफ स्पाउस, इन जनरल विमेन भी होता है, तो ये सेवन है तो पेट प्लेजर सेल्फ अगेन, एट तो चलिए ठीक है, नाइन जो है ब्रदर सिस्टर, इस तरह से ये जो है हर रिलेशन को ये कवर कर रहा है। फोर को अगर हम लोग राहु कंसीडर करते हैं तो ये ग्रैंड पेरेंट्स भी बताता है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग के चार्ट में एट फोर है तो आप लोगों को बताइए कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का तबीयत जो है या फिर उनके साथ जो रिलेशन है कहीं बुरा होता है, तो ये जस्ट आपके लिए, मैंने ये प्रैक्टिकली अभी तक नहीं देखा है, लेकिन चलिए आप लोग का फीडबैक के अनुसार हम लोग फिर जज करेंगे। तो अगर आपको एट फोर आपको लगता है तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है रिलेशन मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, बट इतना तो श्योर है सेल्फ को जो खुद के साथ ही जो ये क्रोनिक डिजीज देता है, ये इट्स नॉट गुड कॉम्बिनेशन फॉर हेल्थ। तो ये था मेरा एनालिसिस, थैंक यू। इसी चीज को अगर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में देखें, तो अगर आप लोग के पास सॉफ्टवेयर है नहीं है तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो अगर आप वो डिटेल्स डाल के चैलेडियन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट बन करके दिखेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं और ये कॉम्बिनेशन जो है ये भी चीज आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, ये था मेरा एनालिसिस। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सारा पोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारा उधर ही अपडेट करता हूँ। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं या फिर न्यू बैच में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।